सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देविका परमार है और मैं अग्रसेन महाविद्यालय के बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा विषय है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था, क्योंकि वो हमारे देश की गंदी स्थिति से अच्छी तरह परिचित थे और यही वजह थी कि उन्होंने स्वच्छता को स्वतंत्रता से भी ज़्यादा महत्व दिया था और उनके सपने को साकार किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने 25 सितंबर को सड़कों की सफाई से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की और 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाकर गांधी जयंती के समय स्वच्छ भारत अभियान को लोगों के समक्ष रखा। स्वच्छ भारत अभियान के पीछे का मूल लक्ष्य वेस्ट मैनेजमेंट के तरीकों से स्वच्छता की समस्याओं का समाधान करना है। स्वच्छ भारत अभियान से पर्यटकों का ध्यान हमारे देश की ओर आकर्षित होगा, रोजगार के स्रोतों में विविधता आएगी, स्वास्थ्य लागत में कमी आएगी, मृत्यु दर में कमी आएगी और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें स्वच्छ भारत अभियान की वजह से फायदा भी मिलेगा। इसमें ये एक सक्रिय कार्यक्रम है जिसमें सभी लोगों को अपनी जनभागीदारी निभानी होगी। जानते हैं, पिछले दिनों स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है कि लगभग 3 लाख लोगों की जानें स्वच्छ भारत अभियान के कारण ही बची है। स्वच्छ भारत अभियान की वजह से लोगों के दिनचर्या की अस्वस्थ आदतों से छुटकारा भी मिलेगा। हमारी सरकार ने लगभग 17 लाख रुपए डस्टबिन और उनके एंगल बनाने में खर्च किए। स्वच्छ भारत की भेंट जो देने की हमने सोची थी वो सपना भी जल्द ही साकार हो जाएगा। बस इसमें लोगों को अपनी